हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब और पकोड़े के लिए जो चटनी बनाते हैं, दही वाला चटनी। और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। कुछ धनिया पत्ता, कुछ पुदीना पत्ता और हरी मिर्च, लहसुन, भुना हुआ जीरा, दही, हींग और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें कुछ धनिया पत्ता डालेंगे। जितना धनिया पत्ता लेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा मैं पुदीना पत्ता ले रही हूँ। आप चाहे तो इक्वल इक्वल भी ले सकते हैं। 2 ग्रीन चिली, ये रहा लहसुन, भुना हुआ जीरा और स्वाद अनुसार नमक देंगे, थोड़ा सा हींग, और मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे जब तक तो सारे चीज़ अच्छी तरह से पेस्ट ना हो जाए। यह हमारा ग्राइंड हो चुका है और इसे हम निकाल देते हैं। आप इसे पकोड़े के साथ या फिर कबाब के साथ सर्व कर लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।